दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं राजू आप लोग के लिए एक नया और बहुत ही अच्छा और जानकारी लायक ये वीडियो लाया हूँ। आप लोगों का कहना है कि सर एग्जीबिशन लायक हमें अपना प्लांट कैसे बनाएं, उस पर आज मैंने ये वीडियो बनाया है और आप लोगों को दिखाना जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसे पार्ट बाई पार्ट में लॉन्च करूँगा। आज का ये जो वीडियो है मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये जो हमारे कलकत्ता में एग्जीबिशन हुआ था जनवरी के महीने में, उसका ये वीडियो है। वीडियो को वॉइस मैसेज में अपना डाल रहा हूँ और सारा उसी तरीके पे जैसे अभी देख रहे हैं, इस तरीके पे आप अपना पौधे को बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर को फॉलो कर लीजिएगा, किसी कारणवश हमारा ये चैनल बंद हो जाए कि यूट्यूब वाले बंद करा दें या वाले बंद करा दें, तो किसी न किसी पे आप हमें फॉलो करते रहिएगा इंस्टाग्राम फेसबुक या ट्विटर पे, तो मैं उस माध्यम से फिर से आपको दूसरे चैनल से जोड़ दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजू पुष्पांजलि नर्सरी का ये नया वीडियो। मैं आप लोगों को ये मार्च के महीने से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि पूरे 12 महीने का शेड्यूल बता सकूँ, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है तो मैं दिसंबर का भी बात करूंगा। तो अभी क्या करना है आप लोगों को ये ध्यान नहीं देना, मैं ये शुरुआत से इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मार्च के महीने में आपका जो प्लांट होगा, जो भी कंडीशन में होगा प्लांट, उसके ऊपर 12 XR00 का छिड़काव करना है। छिड़काव कैसे करना है, ये 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के जिस दिन जिस समय यूज़ करना है उसी समय इसको बनाना है, और बनाने के बाद फेंक देना है। 12 XR00 को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के प्लांट के ऊपर हल्का हल्का स्प्रे करना है, बस हल्का हल्का। और ये जो भी यूज़ करिएगा, मार्च के महीने में गर्मी रहता है तो सूरज डूबने के बाद इसको यूज़ करना है, दिन में नहीं, नहीं तो ये थोड़ा गर्म होता है जिससे प्लांट को नुकसान होगा, इसलिए सूरज डूबने के बाद यूज़ करना है। हल्का हल्का प्लांट के ऊपर यूज़ करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा एनपीके वगैरह तो प्लांट में जलने के तरह इसकी पत्तियां होने लगी। इसलिए मैं बार बार ध्यान देने को बोल रहा हूँ कि इसमें 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 ग्राम, उससे भी हल्का कम हो तो चलेगा, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। 1 लीटर पानी में उसी समय बनाना है, प्लांट के ऊपर हल्का हल्का स्प्रे करना, जिससे हल्का हल्का हम अपने बालों को झाड़ने के लिए पानी का स्प्रे करते हैं उस तरीके का हल्का, ये नहीं कि पूरा भिगा दें जड़ भीग जाए, वो नहीं, हल्का हल्का, ये पूरा चलेगा 2 महीना, ये आपको 2 महीना करना है। 1 दिन गैप करके, जैसे आज किया कल छोड़ दिया परसों किया फिर छोड़ दिया फिर नर्सों किया, ये चलेगा 12 XR00 का मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने तक, ये 2 महीना चलेगा। ये मैंने गर्मियों का सीज़न का ये मैं बता रहा हूँ आपको। फिर 12 XR00 को यूज़ करने के बाद, ये आप यूज़ कर लिया तो इसके बाद आपका चलेगा 19 19 19 NPK, ये NPK 19 19 19 आपको चलाना है, ये चलेगा 2 महीना, आपको ये भी 2 महीने चलाना है। इसकी भी क्वांटिटी रहेगी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम या उससे हल्का कम, पानी में मिक्स कर ले, स्प्रे वाली बोतल से हल्का हल्का प्लांट के ऊपर स्प्रे करें, ये ध्यान रखिएगा। ये आप फल हो फूल हो जिस भी चीज़ पे आप आजमाना चाहते हैं फली फूल पे यूज़ करिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, खाने वाले फल या सब्जियों पर यूज़ करिएगा तो फलों सब्जियों को खाने मतलब कि तोड़ने से 2-3 दिन पहले इस NPK वगैरह का यूज़ करना रोक दीजिएगा और धो के खाइएगा, क्योंकि कुछ केमिकल होती है जो कि आपको पॉइजन टाइप की होती है, तो इसलिए आप लोग उसका मैनुअल पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा डिटेल देता है NPK वगैरह में। तो आपको करना क्या है, ये चलेगा 2 महीना, मई और जून, इसकी क्वांटिटी होगी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के हल्का हल्का प्लांट के ऊपर 1 दिन गैप करके यूज करना है। ये तो आपका 4 महीने चला गया, मार्च अप्रैल मई जून, अब आया जुलाई। जुलाई में क्या करना है आपको, 15 दिन 12 XR00 चलेगा, 15 दिन 19 19 19 चलेगा। आप अपने घरों का अपने एरिया का टेम्परेचर देख लीजिएगा, अगर गर्मी पड़ रहा है तो 1 दिन गैप करके देना है, अगर गर्मी नहीं पड़ रहा है, मौसम में बदलाव आ गया है, गर्मी खत्म हो गई, बरसात का सीजन चालू हो गया है,
115 दिन ये चलेगा, प्रतिदिन 15 दिन 1919 चलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को गौर से। ये पूरा मेथड मैं बता रहा हूँ सीरियल वाइज, जिस तरह से ये देख रहे हैं एक गमले में हजारों सैकड़ों फूल, उस तरीके से आप अपने प्लांट को बना सकते हैं। और ये जानकारी मेरी नहीं, ये सारे रोज़ के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं उनका बताया हुआ जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको चलेगा जुलाई में, 15 दिन 12100, 15 दिन 1919, ये चलेगा जुलाई में। अब आइए अगस्त में, अगस्त में क्या होता है कि प्लांट डोरमेंसी की पीरियड में चला जाता है। डोरमेंसी बोले तो प्लांट सोता है, उसके सोना सोने के तौर पे, मतलब कहने के मतलब देखते होंगे कि बरसात के पहले हल्का फुल्का प्लांट की पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, सूखी सूखी टाइप की हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि प्लांट बढ़ रहा नहीं घट रहा नहीं, जस्ट तस है, पत्तियां वैसे ही है, फूल वगैरह थोड़े छोटे और तिरछे टाइप के हो रहे हैं, तो उसी को डोरमेंसी पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। सो जाने के पीरियड में प्लांट चला जाता है, उसको सोने देना भी चाहिए अगस्त के महीने में, 15 दिन 20 दिन आपको एक महीना सोने देना चाहिए, उसमें आपको कुछ यूज़ नहीं करना है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। और अगस्त के महीने में कटिंग भी होती है, 15-20 दिन अगर आपका प्लांट छोटा है तो हल्की हल्की कोरियों को कटिंग करिएगा, अगस्त के महीने में कटिंग भी होता है, हल्की हल्की कटिंग करिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, मतलब कि 3 फीट का पौधे को 1 फीट की, अगर डोरमेंसी पीरियड में वो हो गया 10 दिन 15 दिन 20 दिन चला गया, तो उसके बाद उस प्लांट को आप क्या कहते हैं उसे कटिंग करना है, ठीक ना। तो कटिंग से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सरसों का खल्ली 2 ग्राम और DAP 50 ग्राम अलग अलग भिगो के पानी निकाल लेना, पानी में मिक्स कर लेना, दोनों को अलग भिगोना और छान के पानी निकाल लेना, और कम से कम 5 लीटर पानी में इसको मिक्स कर देना है, कम से कम 5 लीटर पानी में दोनों को मिक्स कर लेना है, 2 ग्राम और 50 ग्राम आप भिगोइएगा तो पानी जानते ही कितना निकलेगा, भिगो के करके निकालना, ये 3 दिन भिगोना है, और 3 दिन भिगो लेने के बाद इसको मिक्स करके 4 लीटर पानी में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी आपको पौधे में दे देना है, अपने पौधे के गमले के हिसाब से पौधा डालना है। मैं ये क्वांटिटी नहीं बताऊंगा कि ये, अगर मैं क्वांटिटी बताता हूं तो आपका गमला छोटा है बड़ा है तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी, ये चीज़ जान लीजिए कि आपका प्लांट ज़्यादा पानी नहीं मांगता, उसको थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, ठीक है ना, ये आपको दे देना है। उसके 2-3 दिन के बाद उसको कटिंग करना है, कटिंग हल्का हल्का, छोटा प्लांट है तो हल्का, बड़ा प्लांट है बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो उसको थोड़ा कटिंग करके उसको साइज में ले लेना है, क्योंकि आप इसको और बढ़ना भी, ज़्यादा छोटा कर देंगे तो ब्रांचेस कम निकलेंगी, तो यहाँ पे कटिंग करने से क्या है कि उसके ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, कटिंग करिएगा 2-4 दिन 5 दिन में ब्रांचेस आने लगेंगे, और कटिंग करने के बाद अगस्त के महीने में ही कटिंग करना है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें कि बीच बीच में 15-20 दिन के बाद मैंकोजीप M45 राहुल या इंडोफिल, मैं प्रेफरेंस इसलिए कर रहा हूँ कि ये बेस्ट मेडिसिन का है, फंगिसाइड है, इसलिए मैं प्रेफरेंस कर रहा हूँ, ऐसा कोई और नहीं, आप अपने तरफ से देख लीजिएगा। M45 माइकोजीप M45 को 15-20 दिन अगर प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो तो इसका छिड़काव करते रहिएगा, 20-25 दिन में, अगर प्लांट में प्रॉब्लम है तो वो 10-15 दिन पे, और नहीं है तो 20-25 दिन में छिड़काव करते हैं। इसका क्वांटिटी क्या है कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है, ठीक है ना, 15-20 दिन के गैप में करना, और करीब 1 महीने के गैप में सुपर सोनाटा, ये लिक्विड बहुत अच्छी होती है, प्लांट के लिए हेल्दी होती है, सुपर सोनाटा को 1 लीटर पानी में 1 ml डाल के प्लांट में पूरे स्प्रे कर देना हर प्लांट के ऊपर, ठीक है ना। तो अगस्त के महीने के मैं ये बता दिया, बीच बीच में अगस्त में आप ये सब को मिक्स करना है। और हाँ, अगर पुर्लिंग करना है तो आपको अगस्त महीने में ही पुर्लिंग होगा, और पुर्लिंग कटिंग जो ये कहते हैं कि पुर्लिंग अगस्त के महीने में होगा, और रिपोर्टिंग भी अगस्त के महीने में होगा। और रिपोर्टिंग कब करना है, अगर आपके प्लांट को देखना है कि प्लांट की साइज बड़ी हो गई है, गमली छोटी हो गई है, तो रिपोर्टिंग करना है, नहीं तो रिपोर्टिंग कोई सेंस नहीं बनता है। छोटा प्लांट आप मार्केट से मंगा के लाए हैं तो उसको 6 इंची और 10 इंची के गमले में लगाना है। लगाने की विधि मैं पिछले वीडियो में आपको फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लोड कर रखा, जाके आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है ना। और बीच में एक बात और बता दूं कि लाइट पुलिंग छोटे पौधे में करना है, हार्ड पुलिंग बड़े पौधे में करना है।
बड़ा पौधा जो 2 साल 3 साल 4 साल जिसकी ये ज्वाइंट पॉइंट जो होती है, ज्वाइंट वाली जो क्रॉस बडिंग जो होती है वो मोटी हो जाती है, तो और 3 साल 4 साल पुरानी हो जाती है, तो उसमें हार्ड पुलिंग करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांचेस जो होती है ना उनकी मोटी हो जाती है। जैसे आप वीडियो में देखते होंगे इनकी सबकी ब्रांचेस देख रहे हैं, मोटी मोटी हो गई है, तो अगले साल उसी या इससे एक साल बाद फिर इसमें ब्रांचेस निकलना बहुत स्लो हो जाएगा, तो इसीलिए इस पर हार्ड पुलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हार्ड पुलिंग करिएगा, कटिंग नीचे से करिएगा, तो फिर नया ब्रांच निकलेगी जिसकी साइज मोटाई फिर पतली से धीरे धीरे निकलते जाएगी, तो उसमें हार्ड पुलिंग की ज़रूरत होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको हार्ड पुलिंग करना है या लाइट पुलिंग करना है, यानी कि शुद्ध भाषा में बोले कि कटिंग ज़्यादा करना है या कम करना है, इसका ध्यान आप रखिएगा। इसको मैं बारीकी से आपको बता रहा हूँ और पूरा व्यू लेके बता रहा हूँ, पूरा आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके। वीडियो को शुरू से देखिएगा तभी समझ में आएगा, और मेन जो काम है वो अगस्त के बाद चलता है, तो मैं अभी आपको सीरियल वाइज बताते जा रहा हूँ और आगे फिर बता रहा हूँ। और प्लांट को, आपके रोज प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें मैं बताते ये चलता हूँ कि जब भी प्लांट में पानी दें तो थोड़ा पानी दें, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो भी थोड़ा पानी दें, लेकिन सुबह और शाम दोनों टाइम दें। ये नहीं कि आप गमले में लाएं और अरे आज बहुत गर्मी पड़ रही है, मार धकाधक 2 जग पानी 3 जग पानी डाल दिया कि आप प्लांट तो पूरा हरियाली हो जाएगा, नहीं, उससे क्या होगा कि आपका प्लांट डैमेज हो जाएगा। आपको प्लांट में पानी डालना है तो बड़ा गमला है तो 1 जग सुबह दें 1 जग शाम में दें, इससे क्या है कि उसकी मेंटेन बराबर हो गई कि पानी की प्यास जब जब लगे तब तब पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर 1 बोतल 4 बोतल पानी पी लिया उसके बाद दिन भर नहीं पीना है, नहीं, वैसा काम नहीं करना। प्लांट में पानी तभी देना है, चाहे आप खंगर में लगाएं चाहे आपको इसमें मिट्टी में लगाएं, लेकिन हाँ खंगर में ज़्यादा पानी डलाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गर्मियों में ज़्यादा पानी ज़रूरत होती है और खंगर गर्मी में 2 टाइम पानी डालना चाहिए। और खंगर को ध्यान रखना कि आपकी प्लांट में बदलाव चेंजेस बंद होने लगती है, रुकने लगती है, तो खंगर को बदल देना चाहिए। कारण क्या है कि खंगर का एक पोरोसिटी होता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है, तो इससे पहले आपको प्लांट का खंगर चेंज कर देना चाहिए। खंगर लगभग 2 साल 3 साल तक चलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2-3 साल तक चलता है। अगर आपने गुलाब के पौधे या एडिनियम के पौधे कोई भी लगा रखे हैं 2 साल 3 साल तक चल जाता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि मेरा 1 साल ही तक चलेगा 2 साल तक चलेगा, मुश्किल है, प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है उससे कितनी प्रोसीडीज को मिलती है उसके ऊपर, इसलिए वो आपको ध्यान देना है। अब आइए, अगस्त का महीना आपका पुलिंग और रिपोर्टिंग में चला गया, ठीक है ना। और दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि आपको प्लांट का ऑर्डर देना हो तो हमारा ऊपर दिया हुआ नंबर पर आप ऑर्डर दे सकते हैं, होलसेल या रिटेल में भी आपको प्लांट आपके घर तक पहुंच जाएगा। नर्सरी वाले लोग के लिए भी चाहिए प्लांट, तो उनके लिए भी हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं और उनके अलग कैटेगरी अलग रेट रहेगा। हम लोग 2 तरीके का प्लांट प्रोवाइड करते हैं, एक वाइट बैग का एक ब्लैक बैग का, तो नर्सरी वाले जानते हैं कि वो सब प्लांट क्या रेंज की होती है और कैसी होती है, तो हमें ऑर्डर दे सकते हैं। NPK वगैरह भी हमसे आप मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ और वीडियो में नीचे में भी नंबर शो कर रहा है, तो NPK वगैरह भी आप हमसे मंगा सकते हैं, प्लांट का भी ऑर्डर दे सकते हैं। हम लोगों ने 300 नर्सरियों को और अपने साथ मिला के ये काम को और आगे बढ़ाना चाहा, ताकि उनकी भी घर चले और आप लोगों को भी घर बैठे अच्छे से अच्छे प्लांट मिल जाए। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, अगस्त का महीना बीत गया, आपने अगस्त में ये कटिंग और रिपोर्टिंग वाला काम कर लिया। रिपोर्टिंग उनको करना है जिनकी जड़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो हर कोई को नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ इसमें बताते चलें कि अगर बहुत सारे लोगों का मिट्टी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, मिट्टी का पीएच भाग जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए मिट्टी का पीएच को लाने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, उसको करना पड़ेगा, उसका वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन सबसे आसान तरीका, आसान सोल्यूशन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग कर दीजिए। आपकी प्लांट अगर वर्क नहीं कर रही है, उसकी मिट्टी के पीएच भाग गई है, तो उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। साल में 3 बार रिपोर्टिंग होता है, ठीक है ना, कौन कौन से महीने में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। सितंबर और अक्टूबर, इस महीने में आपको क्या करना है कि 1261 00 का
काम फिर से स्टार्ट कर देना है। 12160 का क्या काम होता है मैं ये भी आपको बताते चलूं ताकि आप लोग उसका ध्यान दे सके। तो दोस्तों आपने लोगों ने ये देखा पार्ट वन का वीडियो, पार्ट टू का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सब पे फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों।